खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो देश में 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और सिर्फ आखिरी फेज का चुनाव बाकी है। अब देश की नजर मोदी के बनारस पर है। बनारस का मिजाज वहां की गलियों में घाटों पर बसता है। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी बनारस में हैं। उन्होंने तपती गर्मी में काशी की गलियों का चुनावी तापमान मापा है, तो आइए आपको दिखाते हैं काशी की गलियों में गूंज क्या रहा है। मैं सुकून कहूं तुम गंगा किनारा समझना, मैं रात कहूं तुम 80 घाट समझना, मैं जीवन कहूं तुम मणिकर्णिका घाट समझना, मैं इश्क कहूं तुम बनारस समझना। यही है बनारस का रस, यही है बनारस का मिजाज और यही बनारस का मर्म है। जो यहां आया यही का होकर रह गया। यहां की सियासत को समझे उससे पहले अपने आप में विशाल और अमिट सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे काशी के दर्शन तो कर लीजिए। सकरी गलियों के लिए विख्यात ये काशी आज चौड़ी सड़कों और फ्लाईओवर्स पर सवार है। 84 घाटों के जरिए मां गंगा की सुकून देती लहरों को देखती ये काशी आज हाईटेक और अत्याधुनिक क्रूज पर सवार है। जीवनदायिनी गंगा के जीवन के लिए लड़ाई लड़ती ये काशी आज गंगा के ही रास्ते व्यापार कर रोजगार के नए द्वार खोल रही है। कभी रेलवे स्टेशन की बदहाली से बेहाल ये वाराणसी आज अपने हाईटेक मंडुआ डी स्टेशन को सामने रखकर एयरपोर्ट की सुख सुविधाओं से टक्कर ले रही है। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है। काल भैरव है यहां के कोतवाल। हिंदू संस्कृति का अमिट हस्ताक्षर ये शहर आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रास्ते माँ गंगा और भगवान शिव के मिलन के सपने को साकार होते देख रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है और काशी के रंग भी दिन पर दिन निखर रहे हैं। ये कॉरिडोर जब बनकर तैयार होगा तो बाबा विश्वनाथ का ये मोहल्ला कुछ इस तरह दिखने वाला है। यानी बाबा के दर्शन के लिए जाने वाली तंग गलियों की जगह लंबा चौड़ा कॉरिडोर बन रहा है जो इस इलाके को नई पहचान देने वाला है। हालांकि चुनाव है तो ये कॉरिडोर भी यहाँ की सियासी फिजा में मुद्दा बनकर घूम रहा है। वाराणसी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट चुनावी मुद्दा बना है, हम उसी प्रोजेक्ट की जगह पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक तरफ मणिकर्णिका घाट है और दूसरी तरफ ललिता घाट है और उसी के बीच से ये कॉरिडोर बनाया जाना है। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अब से कुछ दिनों पहले तक बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी, बहुत सारे घर हुआ करते थे और मंदिर भी हुआ करते थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारे मंदिर इस इलाके में मौजूद हैं और ये कॉरिडोर बनाने के पीछे सरकार का तर्क ये है कि घाटों से मंदिर तक का रास्ता, काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने का रास्ता जो कि पीछे की तरफ है, करीब 200 मीटर का फासला होगा, वो आसान हो जाएगा, लोगों को सुविधा होगी। और इस कॉरिडोर की जो चौड़ाई है ये करीब 80 फुट बताई जा रही है। 80 फुट चौड़ा ये कॉरिडोर होगा और इसके लिए ये यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है और डेमोलिशन किया गया है बड़े पैमाने पर। यहाँ बहुत सारे पुराने घर थे, दुकानें थी, मंदिर थे, उनको डेमोलिश किया गया। इसी के पास गंगा घाट पर फसल लपेट अनोखे साधु संत आपका ध्यान खींच लेंगे। ये साधु संत इस नगर की शान है। डमरू और घंटे की आवाज के बीच बनारस की सुबह और शाम होती है तो अजान की आवाज यहाँ पूरी बुलंदी से सुनाई देती है। यहाँ की सुबह गंगा किनारे से शुरू होती है, नौका विहार सुबह को शानदार बनाता है।
तो रात के अंत का आगाज माँ गंगा की आरती के साथ होता है। कहते हैं बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम देखने लायक होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन अगर आप बनारस के चुनिंदा घाटों पर आएंगे तो आप शायद ये कहें कि बनारस की सुबह भी खूबसूरत होती है और बनारस की शाम भी खूबसूरत होती है। शाम मोदी सरकार की भी हो चली है और मोदी इसी वाराणसी से एक नई सुबह की उम्मीद कर रहे हैं। और ये रहे बनारस की गलियां, या कहें चुनावी गलियां, जिनमें बनारस की जान बसती है। इन्हीं गलियों से निकलता रास्ता सियासतदानों को संसद तक पहुंचाता है। 2019 के महाभारत की अंतिम लड़ाई यही होनी है, चुनावी यज्ञ की अंतिम आहुति यही दी जानी है, और सारे देश के चुनाव को देखते सुनते 130 करोड़ जनता की निगाहें अब वाराणसी पर आकर टिक गई है। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र दीक्षित। अगर इस लोकसभा चुनाव को एक क्रिकेट मैच की सीरीज की तरह देखा जाए तो फाइनल मैच होने जा रहा है 19 मई को वाराणसी में। वाराणसी के मैच में किस्मत दांव पर लगी है। बीजेपी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी, देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के निवर्तमान सांसद नरेंद्र मोदी की आज की तारीख में वाराणसी की गलियों की वो हैसियत है जो ना सिर्फ सांसद चुने बल्कि वो प्रधानमंत्री चुनने का माता रखती है। तो वाराणसी की गलियां किसे संसद के गलियारे तक पहुंचाएंगी, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित मुंबई से वाराणसी की गलियों का सियासी मिजाज समझने पहुंचे हैं। एक तरफ मोदी हैं जो यहां की राजनीति के प्रतीक बन गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अजय राय, एसपी की शालिनी यादव मुकाबले के त्रिकोण पर खड़ी है। लेकिन क्या दोनों मोदी को चुनौती दे पाएंगे? इस सवाल का जवाब वाराणसी की जनता के पास ही मिलेगा। हम बनारस के शिग्रा चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साउथ इंडियन डिशेज की यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है, उत्तप्पा तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर हमें चंद लोग नजर आ रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद फर्स्ट टाइम वोटर, पहली बार वोट डालेंगे इस बार। हाँ जी, इस बार पहली बार मैं वोट डालने जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या सोच कर वोट डालेंगे? सोच जैसा कि हम लोग यूथ हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारे एजुकेशन को ज़्यादा मतलब जो बढ़ावा दे, जो हमारे शहर के लिए काम करे, जो यूथ को सपोर्ट करे, ऐसे लीडर को हम लोग वोट करना चाहेंगे। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार हम लोग वोट डालने जा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कौन हम लोग का अच्छा मतलब कर सकता है। अच्छा, तो क्या लगता है कि बनारस के लिए अभी जो 5 साल पहले नरेंद्र मोदी सांसद यहाँ के चुने गए, तो 5 साल में आपको कुछ बदलाव नजर आया शहर में, किस तरह का बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव नजर आया। जैसे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं कि बनारस में कई जगह ऐसी एरिया है जहाँ पर हम लोग बिना साइड देखे या इधर उधर देखे हम लोग कहीं भी चले जा सकते थे, लेकिन अब जब से ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं ये, तो कुछ रूल तो हम लोग फॉलो पहले तो नहीं करते, लेकिन अब तो हम लोगों ने किया है। अच्छा, और शहर में घाटों पर क्या बदलाव देखते हैं? घाट पर बहुत बदलाव देखे क्योंकि हर जगह घाट पर जैसे कहीं भी कुछ भी जो भी डैमेज चीज़ें होती थी कहीं भी फेंक दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग मतलब बना हुआ है कि कहीं भी आप कुछ भी नहीं फेंक सकते हैं। मतलब मोदी काफी बदलाव लाए हैं शहर में, बहुत ज्यादा। ये और बात करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मनोज नाम है सर। मनोज जी, यही बनारस के रहने वाले हो? जी जी। अच्छा, ये बताओ 5 साल में क्या बदलाव दिखा है आपको? अरे बहुत, बनारस बहुत बदलाव है। अच्छा, किस तरह का बदलाव शहर में हुआ है? अरे बहुत अच्छा हुआ है सर, जो हुआ है। क्या क्या हुआ है? अरे बहुत कुछ हुआ है, चारों बगल सफाई है, सफाई है, अच्छा है, बढ़िया है, और क्या बोला जाए। तो इस बार वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी, वोट देने करेंगे, सबकी बार भी दिए हैं, आपकी भी देंगे। क्या सोच के डालेंगे इस बार वोट, किन बातों को ध्यान में रख के? सब बात अच्छा है, मोदी जी हम लोग का पसंद है, उनको देंगे भाई। फर्स्ट टाइम वोटर हो या दूसरा कोई, हर किसी की जुबान मोदी के नाम पर मुहर लगा रही है। रोड शो में ताकत दिखाने के बाद मोदी यहां नहीं आए, लेकिन उनकी टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। उनके कानों तक काशी से मां भारती का जय घोष ऐसे गूंजे कि दुश्मन का दिल दहल जाए, तो बोलो भारत माता की। मोदी सरकार की एक और मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं, मंदिर में प्रसाद ग्रहण करती हैं, वोटर से सीधा संवाद करती हैं।
एक तरह से कहा जाए तो गर्मी की पछुआ हवाओं के बीच सियासी हवा पुरवैया हो चली है। चुनाव का सारा फोकस अब पूर्वांचल पर है और वाराणसी की सीट उसके केंद्र में। 2014 के चुनाव में मोदी को 56% वोट मिले थे, 3.5 लाख वोटों से भी ज्यादा अंतर से मोदी को जीत मिली थी। वाराणसी 2014 का इतिहास दोहराएगा ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, वैसा होने से रोकने के लिए इस बार कांग्रेस ने जान लगा दी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 15 तारीख को वाराणसी में अपने प्रत्याशी अजय राय के लिए रोड शो करने जा रही हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिस महामना चौक से मोदी ने रोड शो किया था, प्रियंका भी वहीं से रोड शो की शुरुआत करेंगी। उनका रोड शो प्लान था जिसकी कल मंजूरी मिल चुकी है। 15 तारीख को मालवीय प्रतिमा से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर जी के गेट नंबर 4 तक का रोड शो है। टाइमिंग क्या होगी रोड शो का? शुरू टाइम 4 बजे शुरू होगा और रात 10 बजे तक का समय है उसका। रूट क्या तय किया गया? रूट जो है उसका रविदास गेट है, 80 भदैनी, सोनारपुर, मदनपुरा, गदौलिया, बाला फाटक चौक होते हुए विश्वनाथ मंदिर जी, वो विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पे समाप्त होने का है। प्रियंका के रोड शो को ध्यान में रखते हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित मुस्लिम मोहल्लों में भी गए और लोगों का मत जानने की कोशिश की। यहाँ के लोग मोदी के काम को मानते हैं, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि कुछ कसर रह गई है। वाराणसी से सटे गंगापुर गांव की ये मस्जिद है जहां पर इफ्तारी के बाद अभी अभी नमाज खत्म हुई है और लोग बाहर निकले हैं। इनसे जानते हैं, ये बताइए चाचा कि इस बार वाराणसी का मुसलमान जो है किसके पक्ष में खड़ा दिख रहा है? वाराणसी का मुसलमान इस दफा जो है नरेंद्र मोदी जी के कामों से तो खुश है, लेकिन मुसलमान चाह करके भी जो है भाजपा को वोट इसलिए नहीं दे रहा है कि भाजपा वाले बतियाते नहीं है कि मुसलमान वोट देंगे, इसलिए हम मुसलमान जो है मिल करके हाथ के पंजे पर वोट दे रहे हैं। जहां से गठबंधन हमारा जीतेगा वहां हम गठबंधन को सहयोग करेंगे, जहां से कांग्रेस जीत रही है वहां से कांग्रेस को समर्थन करेंगे, इसलिए कि हमारे वोट को कीमत समझते नहीं। अगर जिस दिन हमारे वोट को कीमत समझने लगेंगे उस दिन हम लोग नरेंद्र भाई मोदी को भी सपोर्ट करेंगे। जी आप बताइए। देखिए, बनारस में नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। 20 बार इन्होंने विजिट किया बनारस में, लेकिन करने के बाद जो एक ईमानदारी के साथ बनारस का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। पहली बात, ये सिर्फ फोकस रहा उनके आने का। मेन रोड जो है खाली देखा गया, गलियों में सीवर लाइन की पोजीशन बदतर है, मुस्लिम बेल्टों में बुरी तरह हालत इनकी है, कोई भी सफाई नहीं है, कोई भी रखरखाव नहीं है। तो इस तरह इसके से जो ये रहा है बनारस जो है, इनके आने से सिर्फ स्वच्छता के नाम पर एक दिखावा था, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार के नाम है, जो भी मुद्दे हैं युवाओं के रोजगारों का और किसानों के भलाई का, इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। मुस्लिम इलाकों में किसकी हवा चल रही है? मुस्लिम इलाकों में हवा तो किसी की नहीं है, पब्लिक खामोश है, वो देख रही है यहाँ पर कि हमें किसको वोट करना है। उनके सामने दो ही रास्ता है, एक है कांग्रेस, एक है गठबंधन। जहाँ पर देखते हैं कि गठबंधन कमजोर है वहाँ पर कांग्रेस को देंगे, जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ मजबूत करेंगे, और जहाँ गठबंधन मजबूत है वहाँ मजबूत करेंगे। वाराणसी में 3 लाख मुस्लिम, 3,25,000 बनिया, भूमिहार और ब्राह्मण 4 लाख, 2 लाख पटेल, यादव 1.5 लाख, 1 लाख राजपूत है। मुस्लिम और यादव को छोड़ दें तो ज्यादातर जातियों का कड़ी मोदी के पक्ष में है, और जानकार भी ये मानते हैं कि दूसरों की तुलना में मोदी का पलड़ा वाराणसी में कहीं ज्यादा भारी है।